हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एमडी टेक्नीशियन चैनल पर। दोस्तों आज एक कंप्लेन के लिए हम आया हूँ। इसमें देखिए ये VRP X 12 HP का आउटडोर है। इसमें आपका कंप्लेन आ रहा है, दो दिन से इसका MCB ट्रिप हो जा रहा है। तो हमने सारे PCB ठीक है, सब कुछ चेक कर लिया, लेकिन इसका बार बार वो MCB ट्रिप हो रहा है, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। तो फिर हमने इसको दो दिन से चेक करने के बाद फिर इसका अभी ये तार देख रहे, ये रखा है 4 कोर का वायर रखा हुआ है। तब इसको हम लगा के ना इसका मेन पैनल से एक बार MCB तक दूसरे वायर से लाइट दे के देखेंगे कि इसका वायर ठीक है या इसका वायर ख़राब है। तो इसको अब चेक करना है, क्योंकि इसका हमने MCB क्यों ट्रिप हो रहा है इसका सब कुछ चेक कर लिया। तो दोस्तों हमें लग रहा है इसका वायर गलत है, तो हम इलेक्ट्रीशियन को भी बोला हो तो वो कह रहे नहीं AC में प्रॉब्लम है। तो हम दूसरा वायर ला के पहले एक बार चेक करेंगे इसका, मेरे को लग रहा है वायर का बीच में कोई फॉल्ट है। इलेक्ट्रीशियन से हमने बहुत शिकायत किया कि आपको वायर में दिक्कत है, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। वो कह रहा है आपका आउटडोर में कहीं अर्थिंग ले रहा है इसलिए ये ट्रिप हो जा रहा है, ऐसे कंप्लेन आ रहा था। तो हमने देखिए नीचे से मेन पैनल जहाँ से आ रहा है वहाँ से MCB तक पावर दे दिया, और उसके बाद दोबारा इसको चला रहा हूँ। अब इसको रीसेट मार देंगे एक बार। ये रीसेट मारने के बाद देखिए अब देखता हूँ, अगर MCB ट्रिप नहीं हो रहा तो फिर इसका वायर दिक्कत है, पूरा वायर चेंज करना पड़ेगा। तो देखता हूँ क्या होता है। बिजली वाला या इलेक्ट्रिशियन वाले का बात सही निकलते हैं, हमारा निकलते हैं एक्सपीरियंस की बात। देखते हैं आप, हमारे हिसाब से तो अब चल जाना चाहिए। रिसेट मार दिया, आप 2 मिनट वेट करेंगे, अगर ठीक रहेगा तो AC चालू हो जाएगा। अभी ये देखिए पंखा चालू हो गया। तो ये आपका MCB, इसका MCB भी नया लगाया था, MCB भी चेंज कर दिया था, फिर भी सही नहीं हो रहा था। तो मतलब इसका तार में फॉल्ट था। तो दोस्तों अभी हम 1 घंटे चला के देखेंगे, अगर इसमें ये ट्रिप नहीं हुआ तो समझ लेना हमारा वायर में ही दिक्कत था, बाकी PC वगैरह कोई दिक्कत नहीं था। देखिए इसमें अब MPR भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसका अभी ये ले रहा है, अभी पूरा ऑन नहीं हुआ इसलिए नहीं बढ़ रहा, कम से कम 20 तक तो MPR ले ही लेगा, जब मैं आउटडोर में 25 लिख रहा है। तो अब अंदर आकर हम कूलिंग चेक करेंगे इसका, ये 1 पे लगा हुआ है डाइकिन का 1 पे नया मॉडल है ये। तो ये सारे AC हम एक बार घूम के चेक करके देख रहे हो, कोई AC में कूलिंग नहीं आ रहा, ऐसे तो दिक्कत नहीं आ रहा, तो सब में अभी कूलिंग आ रहा है बढ़िया सा। तो इसका वायर में ही दिक्कत है लग रहा था, क्योंकि अभी तक तो ट्रिप हुआ नहीं, सही चल रहा है, कूलिंग भी आ रहा है बढ़िया। और दोस्तों हमारा और भी वीडियो है यूट्यूब में, आप जाकर चैनल को विज़िट कीजिए, कैसे आपका कितने का वायर लगेगा, कितने का MCB लगेगा, कितने के आउटडोर में, ये सब जानकारी भी दे रखा हूँ। और वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए ये नया MCB लगाया हमने, फिर भी ये सही नहीं हो रहा था, तो अभी वायर चेंज करके देखा तो सही चल रहा है। तो बिजली वाला बोल रहा था AC का दिक्कत था, लेकिन AC का कोई दिक्कत नहीं है, इसका वायर में ही फॉल्ट था। और कितने की आउटडोर में कितने का MCB LCB लगेगा इसके भी डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, हमारा जो पुराना वीडियो है उस डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, वो वीडियो भी देख लीजिएगा कि अगर 12 HP है, 16 HP, 18 HP कितने का वायर डालना चाहिए, कितने का MCB लगाना चाहिए, LCB लगाना चाहिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।